गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ केवीरा एकेडमी। माय सेल्फ लता मिश्रा एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच क्लास फर्स्ट। दिस इज अ पोयम आई हैव अ लिटिल फ्रॉग बाय एलिना कैसिडी। आई हैव अ लिटिल फ्रॉग, हिज नेम इज टाइनी टिम। आई पुट हिम इन द बाथटब टू सी इफ ही कुड स्विम। ही ड्रैंक up all water and got up the soap, and when he tried to walk he had a bubble in his throat. Students, I will explain you. I have a little frog. मेरे पास क्या है, एक छोटा मेंढक। His name is Tiny Tim, और उसका नाम क्या है, Tiny Tim। एक frog है, इसका नाम है Tiny Tim। एक picture से show हो रहा है। I put him in the bathtub. Bathtub means is a large tub to have a bath in. एक बहुत बड़ा tub जिसके अंदर बात किया जाता है, नहाया जाता है। I put him in the bathtub. मैंने उसे कहाँ डाला, bathtub में। To see if he could swim. ये देखने के लिए क्या वो तैर पाता है। Swim का मतलब होता है तैरना। He drank up all water. उसने क्या किया, सारा पानी पी लिया। And gobbled up the soap. Gobbled means ate quickly. फटाफट खाना, और क्या खाने लगा, soap. And when he tried to talk, he had a bubble in his throat. और जब उसने मुंह खोला बात करने की, टर टर करने की कोशिश करी, he had a bubble in his throat. Throat मतलब होता है गला। Bubble means a ball of air. एक bubble means होता है बुलबुला, और उसके गले में क्या था, एक बुलबुला। स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू रीड दिस अगेन। आई हैव अ लिटिल फ्रॉग, हिज नेम इज टाइनी टिम। मेरे पास एक छोटा मेंढक है जिसका नाम है टाइनी टिम। आई पुट हिम इन अ स्मॉल इन द आई पुट हिम इन द बाथ टब। मैंने उसमें उसको किस में डाला, बाथ टब में। टू सी इफ ही कुड स्विम, ये देखने के लिए क्या वो तैर पाता है। He drank up all water. उसने वहां से पानी पिया खूब सारा। And gobbled up the soap. और फटाफट क्या खाने लगा, साबुन। When he tried to talk, और जब उसने, मेंढक तो बात करते नहीं, वो टर टर करते हैं, और जब उसने अपना मुंह खोला कुछ बोलने के लिए, he had a bubble in his throat. और उसके मुंह में क्या था, एक बुलबुला जो उसके गले में दिख रहा था। स्टूडेंट्स, लेट्स सी वर्ड मीनिंग। थ्रोट, थ्रोट मतलब गला। बाथटब, अ लार्ज टब टू हैव अ बाथ इन, एक बहुत बड़ा टब जिसके अंदर बाथ लिया जाता है, नहाया जाता है। स्विम मतलब तैरना। गॉट, एट क्विकली, फटाफट से खाना। बबल, अ बॉल ऑफ एयर, बबल मतलब बुलबुला, एक छोटा बॉल ऑफ एयर। फ्रॉग मतलब मेंढक। फिर से देखिए, थ्रोट मतलब गला, बाथटब मतलब एक टब नहाने वाला, स्विम मतलब तैरना, गॉल मतलब एट क्विकली, फटाफट से खाना, बबल मतलब बुलबुला, फ्रॉग मतलब मेंढक। स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर 10। दिस इज अ स्टोरी ऑफ ए आंट एंड द ग्रासहॉपर। ओके, there was once a grasshopper who spent all summers singing and dancing. One day, while he was enjoying a lazy day, he saw the ants working hard storing up food for the winter. There was once a grasshopper. एक समय की बात है, कौन था, एक grasshopper. Grasshopper means a leaping insect. एक इंसेक्ट का नाम होता है grasshopper. Who spent all summer singing and dancing. जो अपनी समर को कैसे स्पेंड करता था, समर्स में सिंगिंग करके और डांस करके। One day while he was enjoying a lazy day, he saw the ants working hard. एक दिन जब वो एक लेजी डे को एंजॉय कर रहा था, उसने क्या देखा, कुछ आंट्स, आंट्स मतलब होती हैं छोटे छोटे कीड़े, जो कि बहुत
हार्ड वर्क कर रही थी कि क्या कर रही थी, स्टोरिंग, स्टोरिंग मीन्स सेटिंग असाइड अ फूड, क्या स्टोर कर ले जा रही थी, खाना फॉर द विंटर, कब के लिए, सर्दियों के लिए. When next paragraph, now students come to next paragraph. When winter came, snow covered the ground and all the little animals were cozy in their homes with enough food for the winter. When winter came, और जब सर्दी आई, snow ने cover किया पूरे ground को and all the little एनिमल्स वर कोजी. कोजी मीन्स होता है वार्म एंड कंफर्टेबल. और जितने भी छोटे जानवर थे वो गर्म थे और अपने घरों में कंफर्टेबल थे, आराम से थे. इन देयर हाउसेस होम्स विद इनफ, इनफ मीन्स होता है अमाउंट नीडेड, जितना उन्हें चाहिए था फूड फॉर द विंटर, जितना उन्हें फूड चाहिए था उसके साथ वो अपने घरों में गर्म थे और आराम से थे, और जितना होने चाहिए था उतना खाना उनके पास था फॉर द विंटर, सर्दियों के लिए. द नेक्स्ट पैराग्राफ इज द ग्रास होपर वॉज द ओनली वन हु वॉज सैड. ही डिड नॉट वर्क ऑल समर एंड नो एंड नाउ ही had no food to eat. He went out in the cold with the snow all around him. He found no food. So students, the grasshopper was the only one who was sad. अब इन सर्दियों में सबसे ज्यादा दुखी कौन था? Grasshopper. He did not work all summer. क्योंकि उसने पूरी गर्मी कोई काम किया ही नहीं था. एंड नाउ ही हैड नो फूड टू ईट, और अब उसके पास जो कि सर्दियां आई हुई थी कोई खाना था ही नहीं खाने के लिए. ही वेंट आउट इन द कोल्ड, और वो ठंडी में बाहर निकलता है विद द स्नो ऑल अराउंड हिम. अब जब वो ठंडी में बाहर निकला तो उसके आसपास पूरी स्नो थी. ही फाउंड नो फूड, और उसे कोई खाना मिला ही नहीं. Now students come to next paragraph. He went to aunt's house and knocked at the door. The aunt came out. The grasshopper said, "Please give me some food. I am hungry." The aunt said, "I am sorry. While I worked hard all summer collecting food, you had to sing and dance. Now dance the winter away." Students, see, I'll explain this. He went to aunt's house and knocked at the door. अब वो कहाँ जाता है उतनी भरी हुई ठंड में? Aunt के घर, और उसके दरवाजे को knock मतलब होता है खटखटाता है, खटखटाना. The aunt came out. Aunt बाहर आती है. The grasshopper said. ग्रासहॉपर उसे कहता है, प्लीज गिव मी सम फूड, मुझे कुछ खाना दे दो. प्लीज आई एम हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ. हंग्री मतलब होता है भूखा. अब वो उसे खाना मांगने आता है क्योंकि उसने पूरी गर्मी कोई काम किया ही नहीं होता है. द आंट सेड आई एम सॉरी, आंट उसे बोलती है आई एम सॉरी, मुझे माफ करो. व्हाई आई वर्क्ड हार्ड, मैंने तो बहुत काम किया पूरी गर्मी में. कलेक्टिंग मतलब होता है गैदरिंग, और अपना खाना मैंने, गैदर मतलब होता है जुटाना, अपना कलेक्टिंग मतलब होता है जुटाया, जुटाना. और आंट बोलती है कि मैंने पूरी गर्मी अपना खाना जुटाया. यू हैड टू सिंग एंड डांस, और तुमने क्या किया? डांस किया और गाना गाया. नाउ डांस द विंटर अवे, अब डांस करो कि सर्दी भाग जाए, जब तक सर्दी चली न जाए, और तब तक तुम नाचते रहो. ये आर्ट का कहना था. तो इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है, काम टाइम पर करो और सब कुछ सही होता है, जैसे कि आर्ट ने किया. आर्ट छोटी ही ग्रास होपर से, और उसने
पूरी गर्मी मेहनत से काम किया और उसकी सर्दी अच्छे से बीती। थैंक यू स्टूडेंट्स।